इस बार हम एक ऐसे धाम के बारे में बात कर रहे हैं जो महज एक मंदिर नहीं है। यहाँ पर जीवन से लेकर मृत्यु और मृत्यु से लेकर पुनर्जन्म का एक पूरा चक्र चलता है। देवी शक्ति को समर्पित यह स्थान देवी करनी माता का मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये बीकानेर से कुछ ही दूरी पर देशनोक नामक स्थान पर बना हुआ है। इस मंदिर की सबसे अनूठी बात, यहाँ हजारों की संख्या में मौजूद चूहे हैं और इन चूहों को करनी माता की संतान माना जाता है। यही वजह है कि इस धाम से जुड़े लोग चूहों को अपना वंशज मानते हैं। लोगों के मुताबिक करनी माता को माँ जगदम्बा का अवतार बताया जाता है, जिनका जन्म राजस्थान के चरण समुदाय में एक सामान्य परिवार में हुआ था। कहते हैं करनी माता के पास कई चमत्कारी शक्तियां थी जिनकी वजह से लोग उनकी पूजा करने लगे। लोगों में प्रचलित कथा के अनुसार करनी माता की बहन के पुत्र की कुएं में गिरने से मृत्यु हो गई थी। करनी माता को यह पुत्र बहुत प्रिय था। उन्होंने यमराज से अपने पुत्र को जीवित करने की मांग रखी। यमराज ने करनी माता के आग्रह पर उनके पुत्र को जीवित तो कर दिया, पर एक चूहे के रूप में। तब से यही माना जाता है कि करनी माता के वंशज अपनी मृत्यु तक चूहे बनकर जन्म लेकर इसी मंदिर में स्थान पाते हैं। देवी के इस धाम में एक नहीं पूरे 20,000 चूहे रहते हैं। इंसानों के साथ ही खेलते हैं, खाना भी खाते हैं, यहाँ तक कि देवी की पूजा भी करते हैं। और उनमें से एक चूहा ऐसा है जिसे देवी का स्वरूप मानते हैं, और उनमें से एक भी चूहा मंदिर से बाहर नहीं जाता, और अगर बाहर कोई चला भी जाए तो वापस मंदिर में पहुंच जाता है। उन चूहों ने ना तो आज तक कभी किसी को नुकसान पहुंचाया है, ना ही कोई बीमारी फैली है। इस मंदिर में भक्तों से ज्यादा काले चूहे नजर आते हैं और इनकी अच्छी खासी तादाद भी है। लोग इस मंदिर में आते तो करनी माता के दर्शन के लिए हैं, पर माता के साथ साथ उनकी नजरें सफेद चूहे को खोजती रहती है। ऐसा माना गया है कि अगर कहीं सफेद चूहा दिख जाए तो समझिए कि आपकी मनोकामना पूरी हो गई है। वैसे यहाँ चूहों को काबा कहा जाता है और इन काबाओं को भक्तों द्वारा बकायदा दूध और लड्डू परोसा भी जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि जब प्लेग जैसी बीमारी ने अपना आतंक दिखाया था, तब भी यह मंदिर ही नहीं बल्कि पूरा देशनोक इलाका इस बीमारी से बचा हुआ था। वैसे तो यहाँ साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, पर साल में दो बार यानी नवरात्रि में यहाँ विशेष मेला भी लगता है, जिसमें देश भर के भक्त करनी माता के दर्शन के लिए आते हैं। पूरी दुनिया में चूहे वाला मंदिर के नाम से भी मशहूर ये मंदिर आस्था और रहस्य के तालमेल का एक अनूठा अजूबा है।